सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है मोटो G34 5G। स्नैपड्रैगन 695 मिल रहा है 10,000 के अंदर। कार्ड ऑफर लगाकर आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। मैंने इसको ऑर्डर किया था ये फ्लिपकार्ट से। ओके, एनीवे गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे ये मोटो G34 अंडर 10,000 कितना बढ़िया स्मार्टफोन आप लोगों के लिए रहने वाला। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक करना। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो, मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके बैक साइड में 50 मेगापिक्सल कैमरा सिस्टम, 128 डिस्प्ले प्लस 12B एडवांस वगैरह मेंशन है। एनीवे गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। तो एट फर्स्ट आप देख ही सकते हो मोटो G34 हैंडसेट रखा है। तो रखते हैं इसको थोड़ा सा साइड में। ये कुछ पेपर वर्क है एंड एक सिम इजेक्टर पिन। ये एक 20W का चार्जर लेकिन सपोर्ट करता है 18W USB A2 टाइप सी चार्जिंग केबल। ये रहा बॉक्स कंटेंट, आपको कुछ भी कवर वगैरह नहीं मिलता साथ में। ओके, तो ये रहा डिवाइस मोटो G34 5G। ये एक प्लास्टिक में रैप किया हुआ। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। एंड गाइस, ये जो मेरे पास कलर है इसका नाम है ओसन ग्रीन। एंड गाइस यार, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये आता है लेदर टेक्सचर डिजाइन के साथ। इसका दो कलर वेरिएंट और आता है ब्लैक एंड ब्लू, उसमें आपको नहीं मिलता ये लेदर टेक्सचर डिजाइन, ओनली मैट फिनिश के साथ आता है। बैक साइड काफी प्रीमियम से आपको लगेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे साइड फ्रेम इसका प्लास्टिक का दिया गया है एंड सारे पोर्ट्स भी अवेलेबल है। 3.5mm हेडफोन जैक, फोन का प्राइमरी माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड डॉल्बी एटमॉस स्पीकर। यस, आप लोग ऊपर भी देख सकते हो गाइस, यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का ब्रांडिंग है। राइट हैंड साइड में पावर बटन एंड एक फिजिकल फिंगरप्रिंट एंड वॉल्यूम रॉकर्स। लेफ्ट साइड में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट जिसके अंदर आप लोग एक साथ दो सिम कार्ड या फिर वन सिम कार्ड वन माइक्रो एसडी कार्ड का यूज कर सकते हो। चलिए इसका वेट एक बार चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो 184-183 ग्राम के आसपास है। ओके गाइस, अभी बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर। तो मैं आपको बता दूं पहले ही, इसमें कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह नहीं दिया गया जो प्री अप्लाई रहता है स्क्रीन के ऊपर। सो आप लोग इस डिवाइस को परचेस करने के बाद ही तुरंत एक कोई भी ग्लास या फिर प्रोटेक्टर वगैरह लगवा लेना। वैसे 6.5 इंचेस HD डिस्प्ले इसमें दिया गया है, कोई भी फुल HD डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड किया गया है। लेकिन दोस्तों, कलर्स वगैरह आप लोग देखोगे यूट्यूब के अंदर वीडियोज तो काफी सही यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एंड 1080p 60fps के अंदर मैक्सिमम आप लोग यूट्यूब में वीडियो प्ले कर सकते हो। सेंटर पंचोल डिजाइन के साथ आता है एंड इसका अगर बेजल्स की बात करें तो गाइस थोड़ा ज्यादा ही मोटा बेजल्स आपको देखने को मिलता है फोन के चारों ओर। अच्छी बात यह है कि इसमें 128 का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो स्मूथनेस आपको देखने को मिलेगा स्क्रोलिंग में। 500 निट्स का पीक ब्राइटनेस इसमें दिया गया। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो गाइस ज्यादा ब्राइट फील नहीं होता है आउटडोर के अंदर। कैमरास की बात करें तो 50+2 मेगापिक्सल डुअल सेटअप का कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है। कैमरा सेटअप भी मुझे काफी सही लगा इसका, LED फ्लैश इसके साइड में। और गाइस, सेल्फी 16 मेगापिक्सल का दिया गया। जनरली 10,000 के बजट में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता नहीं, 8 या फिर 5 मेगापिक्सल ही मिलता है। इसकी कुछ कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, प्रो मोड अलग से मिलता है। मोर के अंदर गाइस यहाँ पे कलर स्पॉट का भी एक फीचर दिया गया है, साथ में यहाँ पे नाइट विजन है, पेनोरामा, डुअल कैप्चर कर सकते हो वीडियो या फिर फोटो। वीडियो की बात करें तो 1080p 30fps आप लोग मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसमें। एंड गाइस, मुझे यहाँ पे अच्छी बात यह लगता है कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर कुछ फीचर्स दिया गया है, लाइक यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर अगर आप लोग नहीं चाहते हो यहाँ पे माइक को यूज करना तो यहाँ पे सिंपली इसको डिसेबल कर देना, या फिर एस्पेक्ट रेशियो को भी यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन का भी एक अलग सा फीचर आपको दिया गया है, साथ में यहाँ पे टॉर्च भी आप लोग ऑन कर सकते हो एंड स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने कुछ फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो, मुझे काफी इंप्रेसिव लगा यार 10,000 बजट के हिसाब से। स्किन टोन से लेकर गाइस यहाँ पे जो मेरा शर्ट वगैरह कलर है सब कुछ प्रॉपरली शो होता है एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट भी काफी अच्छे से ये कैप्चर कर लेता है। कलर एक्यूरेसी भी यार आप लोग देख सकते हो, रियर कैमरा से कैप्चर किया गया है कुछ फर्स्ट इंप्रेशन फोटो से, बाद में एक रिव्यू में लेकर आऊंगा। एंड इसके अंदर यार आप लोग 8x तक मैक्सिमम जूम कर सकते हो, तो ये था 1x एंड ये था 2x एंड देन फाइनली 8x के अंदर भी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सेल्फी की बात करें तो गाइस 16 मेगापिक्सल के हिसाब से मुझे काफी सही लगा। पोर्ट्रेट शॉट भी गाइस यहाँ पे एक्यूरेट कैप्चर करता है सेल्फी के अंदर। ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट पे मुझे काफी सही लगा इसका कैमरा। और इसमें साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट दिया गया है, तो चलिए एक बार इसका रेस्पॉन्स हम लोग टेस्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो गाइस, मुझे यहाँ पे लिटिल बिट स्लो लग रहा है, स्लो नहीं है, 0.03 सेकेंड में मुझे यहाँ पे लगता है ये ओपन हो जा रहा है, एज यू कैन सी। ओके, स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है तो टेस्ट करना बनता है विथ डॉल्बी।
यस, काफी इंप्रेसिव है इसका स्पीकर्स। इस फोन में एक और हाईलाइट चीज है, स्नैपड्रैगन 695 एक 5G प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस पॉइंट पे कोई 695 प्रोवाइड करता नहीं है। डे टू डे लाइफ में जो भी आप लोगों का टास्क है ये आप लोग इजीली कर पाओगे, कहीं पे भी अटकेगा नहीं। टोटल ये 12 5G बैंड के साथ आता है एंड मैंने इसके अंदर एक 5G सिम भी इंसर्ट करके देखा है। आप देख सकते हो गाइस, डुअल 5G प्लस भी आ रहा है, यानी 5G प्लस का कैरियर एग्रीगेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। डुअल 5G है, वोल्टी वगैरह सब है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट भी आपको मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन है 5.1। बाकी अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो BGMI जैसे, तो गाइस यहाँ पे यार आप लोग देख सकते हो ग्राफिक्स सेटिंग्स वगैरह स्मूथ एंड अल्ट्रा है इसके अंदर। इसके अलावा आप लोग HD एंड हाई के अंदर गेमिंग कर पाओगे। HDR वगैरह नहीं मिलता है, जो कि एक नॉर्मल चीज है इस प्राइस पॉइंट पे, स्मूथ एंड अल्ट्रा। अंतुतु स्कोर भी इसके अंदर चेक किया तो आप लोग देख सकते हो 432,000 के करीब करीब यहाँ पे स्कोर आता है इस प्राइस पॉइंट पे गाइस, काफी सही है। क्योंकि 10 से 11 हज़ार के बजट में आप लोगों को 3 लाख या फिर इससे नीचे अंतुतु स्कोर देखने को मिलता है, जितना भी प्रोसेसर यूज किया जाता है उस प्राइस पॉइंट के जितना भी स्मार्टफोन है उसमें। ओके, इसके अगर यूजर इंटरफेस की बात करें तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता होगा मोटरोला आता है स्टॉक एंड्रॉइड के साथ एंड कोई भी ज़्यादा फालतू का एप्लीकेशन आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे कुछ मोटरोला का एप्लीकेशन है खुद का एंड यहाँ पे गूगल का जितना भी एप्लीकेशन है ये सब मिलेगा प्री इंस्टॉल। ओके, इसके अलावा गाइज यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए कोटक बैंक का कुछ है, एक दो एप्लीकेशन या फिर एक ब्लॉक ब्लास्ट करके कुछ गेम है, तो इन सब को यार आप लोग ऐप इन्फो में जाकर अनइंस्टॉल यहाँ से कर सकते हो। बाकी ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस या फिर एड्स वगैरह आप लोगों को शो नहीं होगा इस UI के अंदर। एंड अच्छी बात यह है कि गाइज इसमें आपको मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 का वर्जन एज यू कैन सी, और वही सब चीज़ें जो गूगल डायलर है, गूगल मैसेजिंग ऐप वगैरह आपको दिया गया है। ओवरऑल गाइज आपको काफ़ी अच्छा स्मूथनेस मिलेगा इस UI के साथ। 5000 mAh बिग बैटरी विथ 18W फास्ट चार्जर, बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 20W लेकिन ये सपोर्ट करता है 18W। इसके समरी में अगर आते हैं तो गाइज 1 वर्ड में काफी अच्छा डिवाइस है 10000 के अंदर। कैमरा मुझे इंप्रेसिव लगा, इसका बैक साइड का जो डिजाइन है लेदर टेक्सचर डिजाइन के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 695 एक 5G प्रोसेसर इसमें दिया गया है, डुअल 5G भी ये सपोर्ट कर जाता है। हालांकि डिस्प्ले HD है लेकिन 128 का रिफ्रेश रेट आपको दे दिया गया है। 5000 mAh का बड़ा बैटरी, 18W का चार्जर, ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये मोटो G34। 4GB रैम 128GB वाला वेरिएंट आप लोगों को 10000 में मिल जाएगा कार्ड ऑफर लगाकर। इसका 6 128GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा एंड आप लोग क्या थॉट रखते हैं इस स्मार्टफोन को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो मैक्स योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।